जी वीवर्स गुड न्यूज़ है कि पंजाब पुलिस ने जो उनकी पी एस हैं और एस एस की जो भर्तियाँ हैं उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आज अनाउंस कर चुक कर दी है तो बहुत ही अच्छी जॉब्स है और इसमें बहुत सी सीटें हर तस, हर ज़िले की अपनी तहसी जो पी एस एस की सीट्स हैं और एस 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 की सीट हैं है, अनाउंस कर दी हैं तो मैंने आपके सामने ये जो इश्तहार है जो कि इशू हो चुका है उनकी वेबसाइट पर आपके सामने आप देख सकते हैं इसमें पंजाब पुलिस के तमाम अजला में सीनियर स्टेशन असिस्टेंट जो कि एस एस ए है वो उसकी नाइन ग्रेड की पोस्ट है और जो पी एस ए है वो सेवन ग्रेड की पोस्ट है तो स्टार्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं उसके बाद इन्हें परमानेंट कर दिया जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें लाहौर की वन नाइन्टी नाइन पी एस सीट्स हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं शेखपूर आयसरा आप जो इनके एड है ऐड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब पुलिस अब जब जाएंगे उसमें अपने क्रोम में तो यहाँ पे लिखेंगे पंजाब पुलिस डॉट जी ओ वी डॉट पी के तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये एड अनाउंस हो चुका है तो आपने यहाँ से एड भी डाउनलोड कर लेना है और इसके अलावा यहाँ से जो उनका फॉर्म है वो फॉर्म भी आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है तो फॉर्म भी आप मैं आपको दिखा देता हूँ इनका तो इस तरह का आपके पास फॉर्म होगा आपने फॉर्म फिल करना है आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पुट अप करनी है उसके बाद आप मज़ीद इसका बता देता हूँ कि इसमें सबसे अहम जो बात है इसमें जो अप्लाई करने वाले हैं वो सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आई है सिर्फ आई वाले अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा मतलब अगर एफ ए है उसके अलावा अगर आपकी एफ एस सी है या कोई आपका कोई डिप्लोमा है बेशक कंप्यूटर में है लेकिन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते तो इसकी जो मजीद तफसीली वीडियो है मैंने मेरे ही चैनल पर मौजूद है आप उसको देख सकते हैं उसमें आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं मजीद बता देता हूँ ये जॉब का सर्विस स्ट्रक्चर क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ ये पी एस ए की जॉब मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये सेवन ग्रेड की होती है और एस एस ए की जो जॉब है वो नाइन ग्रेड की होती है तो इसका सर्विस स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि सबसे पहले पी एस ए होता है उसके बाद अगर एस एस ए की जो सीट्स होती है वो नाइन ग्रेड की होती है इसके अलावा उस उनका जो इंचार्ज होता है वो एच एम टी यानी हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन होता है वो बी पी एस फोटीन की जॉब है और डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर डी पी ओ पी पी एस सिक्सटीन की ये जॉब है और इसके अलावा डी बी ए होता है पूरे यानी जो पंजाब है उसको यानी लीट कर रहा होता है उनके सिस्टम को डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर तो इस तरह इनका ये सर्विस स्ट्रक्चर होता है और और फ्राइज़ की बात करें तो मैंने उनको जो अपडेट करना होता है उनमें जो डेटा पुटिंग करनी होती है वो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट का काम होता है इसमें पुलिस के पास और इनके पास पी एस 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 के पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं सी एम एस लाइक सी एम एफ कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और उनके एफआईआर के लिए अलहदा से एक सॉफ्टवेयर होता है पोल काम के नाम से और किरायादारी हो गया गुमशुदगी होगी रिपोर्ट्स होगी पुलिस वेरिफिकेशन होगी यानी पुलिस से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं ये पी और एस देख रहे होते हैं और इनके ऑफिस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस तरह का ऑफिस होगा जो फ्रंट पे होंगे वो आपके एस होंगे और बैक पे जो होंगे वो आपके पी होंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एस 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 होंगे वो पब्लिक डीलिंग कर रहे होंगे और जो पी एस एज होंगे वो बैक पे अब डेटा एंट्री कर रहे होंगे उनका पुलिस का वर्क कर रहे होंगे पी एस ए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट डेटा एंट्री करेगा पी एस आर एम एस उनका सॉफ्टवेयर है उसमें पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अलावा उनके जो पुलिस के रजिस्टर्ड होते हैं वो उन्हें भी मेंटेन करेगा तो सैलरी की बात करते हैं पीएसए की पीएसए की बेसिक सैलरी बात करें तो वो होगी सत्रह हज़ार चार सौ सत्तर लेकिन मैंने यहाँ पे चालीस से बयालीस लिखा हुआ है लेकिन अब ये सैलरी इंक्रीज हो चुकी है ये अब फिफ्टी टू के होगी है इनकी पी एस ए की जबकि एस एस ए की सैलरी अब सिक्सटी नियर अबाउट सिक्सटी है तो ये पहले कम हुआ करती थी अब ज़्यादा हो गया है ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो आज घंटे की ड्यूटी शिफ्ट होती है जबकि वर्किंग फ्रंट डेस्क की ट्वेंटी फोर आवर होती है लेकिन उसमें डिफरेंट शिफ्ट होती हैं तीन शिफ्टों में काम हो रहा होता है ज़रूरी बात इसमें सिर्फ ये है कि आपने आई सी एस पास मस्ट है आपकी आई सी एस होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते टाइपिंग टेस्ट आपके पास ट्विटर ट्यूट, होना चाहिए उस पर आपने अपनी टाइपिंग की तैयारी करनी है उसके बाद टें फिंगर है आप उसकी वेबसाइट पर जाके आपने मतलब वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा जो इनके टाइपिंग टेस्ट होते हैं एक उर्दू का होता है और एक इंग्लिश का होता है और आपने वो दोनों टेस्ट ज़रूरी पास करने होते हैं उससे पहले रिटर्न टेस्ट होता है तो रिटर्न टेस्ट की जो अभी रिसेंट ही जो पेपर हुआ है तो उसकी जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा आपको पास पेपर भी उसका दिखाऊँगा किस तरह का टेस्ट था जबकि टाइपिंग की तैयारी आपने खुद करनी है अपने उर्दू की भी अच्छी से करनी है इंग्लिश से भी की भी अच्छी से करनी है तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि दोनों टेस्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि रिसेंटली जो अभी जॉब्स अनाउंस हुई थी उनमें से काफ़ी सारे लोग थे जिनको दोबारा बुलाया गया था उनका एक टेस्ट पास था लेकिन जब उनकी फ़ाइनल लिस्ट लगी है तो उनमें सिर्फ़ उन लोगों को जॉब्स मतलब दी गई हैं फाइनल लिस्ट में नाम आया जिनके दोनों टेस्ट पास थे तो मजीद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो पास्ट पेपर है वो अपलोड करेंगे और वो आप देखिएगा तो आपको उसको उसका बहुत फ़ायदा होगा